नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं आज आपको ये यूएसबी पैनल ये रेडियो की सर्किट बोर्ड में कैसे लगाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको इसको लगाने से पहले आपको इसका वायरिंग का फुल जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो आप इस पैनल को इसमें नहीं लगा सकते हैं। जब तक आपको इसकी फुल वायरिंग की जानकारी होंगे तो ही आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें मैं सारा डिटेल बताया हुआ हूँ। ये जितने भी वायरिंग होते हैं इनके, मैं सारा डिटेल आपको बना करके भी दिखलाया हुआ हूँ। तो आज मैं बस आपको इसको सेट कैसे किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप देखें, इसका जो VC निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, ये ग्राउंड है, ये ऑडियो है और ये जो है तीसरा ऑडियो है। यहाँ से जो है सो सीधा ही वॉल्यूम का तार निकाला हुआ है। ये बीच वाला है, ये ग्राउंड है, ये साइड वाला है। तो ये साइड वाला यहाँ पे PF लगा हुआ है। तो यहाँ आप एक वायर को निकाल लें और यहाँ जो है यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर ले। तो आपका जैसे ही ये ऑन होंगे तो सीधा ऑडियो इस पर से इस पे चला जाएगा और आपको रेडियो ऑन हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये वॉल्यूम है, तो इसका सीधा ही वायर यहाँ लगा रहता है। तो इसका आपको एक वायर यहाँ रहता है, दूसरा यहाँ रहता है और तीसरा यहाँ रहता है। तो यहाँ का वायर आप सीधा ही ये जो L लिखा हुआ है और ये R लिखा हुआ है, दोनों को एक कर ले। यहाँ से वायर यहाँ जम्पर मार करके और सीधा ही यहाँ पे लगा दो, तो आपको सीधा ही ये ऑन हो जाएंगे। अगर आपको इसका कट करना है तो उसके लिए आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सीधा ही बजाना है तो इसमें स्विच की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको कट करना है, अगर मान लीजिए इसमें बैटरी की भी कनेक्शन की रहती है, तो अगर इसको ऑफ करना है तो यहाँ स्विच का प्रयोग होगा। वो मैं पिछले वीडियो में अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो VC निकालने के लिए सबसे पहले इसका और इसका वायरिंग जो है सीधा ही इस पे जोड़ना है और इसको चलने के लिए जो है यहाँ पे 5 वोल्ट दिए जाते हैं। ये 5 वोल्ट है और ये ग्राउंड है। जैसे ही इसमें बैटरी के लाइन इन होंगे तो ये ऑन हो जाएंगे और यहाँ से आपको ऑडियो बनना चालू हो जाएगा। और इसको मेमोरी से चलाने के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ DM, PM और ग्राउंड, ये चारों है। तो ये 5 वोल्ट इसमें मेमोरी का जो पैनल होता है उसके अंदर वोल्टेज जाते हैं मेमोरी के चलने के लिए। और ये दोनों ऑडियो सेक्शन के, तो ये 4 जो है सो आपको सीधा ही मेमोरी जिसमें कार्ड रीडर लगाया जाता है उसमें चला जाता है। जैसे ही मेमोरी आप ऑन करते हैं, जैसे ये मैं कार्ड रीडर दिखा रहा हूँ, मेमोरी को चलने के लिए कार्ड रीडर इसमें लगाया जाता है और इसका जो होता है इसका ही
ये चार वायर है, एक दो तीन चार, तो ये सीधा ही इसका जो है वायर उस पे चला जाता है। तो ये जैसे ही इसमें मेमोरी कार्ड रीडर लगाते हैं तो इसका सीधा ही ऑन कर देता है और सीधा ऑडियो जो है ये रेडियो के सर्किट में चला जाता है और ये ऑन हो जाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।